जिला बिलासपुर की ग्राम पंचायत बहल के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक पाठशाला बहल में बनी पीने के पानी की टंकी जगह जगह से लीक हो रही है और बहुत ही दयनीय हालत में है, जिसे हर रोज हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। प्राथमिक पाठशाला में पढ़ रहे नौनिहालों को पीने के पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। पाठशाला में लगभग 125 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और यही हाल शौचालय पर लगाई गई टंकी का है, वह भी जगह जगह से लीक हो रही है। हालांकि विभाग ने यहां पर एक हैंडपंप लगा रखा है, जिससे पानी निकालना इन छोटे छोटे नौनिहालों की बस की बात नहीं है। कभी कभार तो यह नौनिहाल अपने हाथ हैंडपंप के हैंडल में देते हैं, इससे हर कदम दुर्घटना का अंदेशा लगा रहता है। टंकी के साथ ही एक नाला है जिसमें गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और गंदा पानी खड़ा रहता है, जिससे नौनिहालों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि इस पाठशाला में स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय श्रेष्ठ विद्यालय योजना के तहत लगभग 15 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, फिर भी यहां पर पीने के पानी की टंकी की समस्या बनी हुई है। एसएमसी के प्रधान स्वरूप सिंह और अभिभावकों ने सरकार से गुहार लगाई है कि इस पानी की टंकी की रिपेयर करवाई जाए, ताकि नौनिहालों को पीने के पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े। आपका फैसला के लिए बिलासपुर से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट।